दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में अच्छी कमांड चाहिए, आपको बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, तो देखिए लिखना तो ठीक है और रूल्स याद करना भी ठीक है ग्रामर के, बट जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप बोल के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। बट यहीं पे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बोले किससे, कोई पार्टनर नहीं है हमारे पास और घर में कोई फैमिली मेम्बर ऐसा नहीं है जो कि इंग्लिश बोलता हो, बस हम ही है जो कि टूटी फूटी बोलने की ट्राई कर लेते हैं और वैसे तो हम इतनी भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि एक एनवायरनमेंट नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में करोगे क्या, किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे? देखो, अगर आपने बोलने की प्रैक्टिस नहीं करी, आपने स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं करी, तो आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं होने वाली। तो बोलना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करेंगे क्या, क्या ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो आपको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए? अब रही बात पार्टनर की, देखिए पार्टनर अगर आपके साथ एक हो तो बहुत बढ़िया चीज है, बट अगर कोई पार्टनर नहीं है तो और ज्यादा बढ़िया है यार। आपको सिर्फ आप ही सिखा सकते हो, कोई और नहीं सिखा सकता। इसलिए अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो खुद से बात करो भाई। कन्वर्सेशन क्या होता है, दो लोगों के बीच में बातचीत, वो दो लोगों का किरदार आप ही निभाओ, चाहे तो आवाज चेंज करके या फिर अपनी ओरिजिनल आवाज में ही बात करो दोनों साइड से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज विकास कुमार रोहतगी एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन फॉर यू। जैसे कि हम बात कर रहे थे इंग्लिश कन्वर्जेशन की, तो आज हम कन्वर्जेशन बनाने वाले, कन्वर्जेशन क्वेश्चन एंड आंसर, तो क्वेश्चन एंड आंसर बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चन बनते कैसे, आप लोग जानते होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं डू और डज। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं, तो या तो हम सेंटेंस में लगाएंगे डू क्वेश्चन बनाने के लिए या फिर लगाएंगे डज। डू मैंने बताया था आपको पहले भी के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल में, यानी कि बहुवचन में लगता है, और डज सिर्फ एक केस में लगता है जब आप बात कर रहे हो थर्ड पर्सन सिंगुलर की, यानी कि जैसे मैं अगर आप अपने भाई के बारे में बात कर रहा हूं वो थर्ड पर्सन है, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं आप सेकंड पर्सन हो, वो थर्ड पर्सन हो गया और वो एक ही है इसलिए वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ऐसे केस में हम डज लगाते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए हम अपने डेली रूटीन के सेंटेंसेस बोलेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और उससे इंग्लिश कन्वर्सेशन बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहला सेंटेंस, व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो आपका पार्टनर ये बोल सकता है आई वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग डेली। अब यहां पे आपको एक थर्ड पर्सन लेना है, आप अपने पार्टनर से बोलो व्हाट टाइम डज योर ब्रदर वेक अप इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहां पे योर ब्रदर जो मैंने लगाया, यहां पे मैंने डज यूज करा। पहला सेंटेंस क्या था, व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, सेकंड जब मैंने बोला उसके रिप्लाई के बाद व्हाट टाइम डज योर ब्रदर वेक अप इन द मॉर्निंग, इसका वो आंसर करेगा माय ब्रदर वेक्स अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो यहां पे दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है, क्वेश्चंस में डिफरेंस है, हेल्पिंग वर्ब का। पहले वाले क्वेश्चन में क्योंकि मैं आपसे डू यू पूछा था, मैंने व्हाट टाइम डू यू वेक अप, तो सेकंड पर्सन से पूछा, डू लगेगा यहां पे और सिंपल फॉर्म वर्ब की लगेगी। बट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें डज लगा, क्वेश्चन में जब डज लग गया तो वर्ब के साथ कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे आंसर में, क्योंकि डज नहीं लगने वाला है इसलिए वर्ब को हम एस या ईएस की फॉर्म में लगाएंगे। मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तीसरा सेंटेंस हम क्या बोल सकते हैं, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, क्या आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हो, आंसर हो सकता है यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक या फिर नो आई डोंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। डज योर ब्रदर गो फॉर मॉर्निंग वॉक, नो माय ब्रदर डजंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, या फिर यस माय ब्रदर goes for morning walk। तो goes लगाया यहाँ पे हमने, और जब negative था तो doesn't लगाया या does not लगाया, इस difference को समझो और इसी तरीके से practice करनी है। एक बार do वाली, एक बार does वाली, एक बार do वाली, एक बार does वाली, तो grammar भी बहुत अच्छी होती जाएगी और fluency भी बहुत अच्छी आएगी और आपको आदत पड़ जाएगी बोलने की do और does अलग अलग करके, वरना तो हमारी गाड़ी जो है do पे ही चलती है। Next sentence, what time do you take breakfast? I take breakfast at 8 o'clock in the morning। What time does your brother take breakfast? My brother takes breakfast at 8 o'clock in the morning. Do you go to school? No, I don't go to school. Does your brother go to school? Yes, my brother goes to school. Do you use Facebook? Yes, I use Facebook. Does your brother use Facebook? No, my brother doesn't use Facebook. Do you know me? Yes, I know you very well. Does your brother know me? No, my brother doesn't know you. या फिर yes my brother knows you। नीचे sentences चलते जा रहे हैं, उनको ध्यान से देखना क्योंकि वहीं पे differences छुपे हुए हैं, अगर वो आपने सीख लिए
अपनी कन्वर्जेशन को बहुत अच्छा बना लोगे, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करो। वेयर डू यू बाय क्लोथ्स फ्रॉम, या फिर फ्रॉम वेयर डू यू बाय क्लोथ्स। आई बाय क्लोथ्स फ्रॉम कमला नगर मार्केट। वेयर डज योर ब्रदर बाय क्लोथ्स फ्रॉम? माई ब्रदर बाइज क्लोथ्स फ्रॉम कमला नगर मार्केट। What time do you take dinner? I take dinner at 8 p.m. What time does your brother take dinner? My brother takes dinner at 8 p.m. What time do you go to bed? I go to bed at 10 p.m. What time does your brother go to bed? My brother goes to bed at 10 p.m. इसी तरीके से इतने सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो अपने डेली रूटीन से ही, और सेम सेंटेंस को यूज करो डज में और आंसर को यूज करो वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म में। ये तो सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस जिसमें ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आता है, यानी कि रोज होने वाली चीजें आती हैं, ठीक है। इन सेंटेंसेस में आप यूजुअली भी यूज कर सकते हो, यूजुअली यानी कि आमतौर पर। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, वेयर डू यू यूजुअली बाय क्लोथ्स फ्रॉम? आई यूजुअली बाय क्लोथ्स फ्रॉम कमला नगर मार्केट। तो यहाँ पे हम यूजुअली लगा देंगे, बस वर्ब से पहले, उसका मतलब हो जाएगा मैं आमतौर पर कमला नगर मार्केट से कपड़े खरीदता हूँ। जब हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की कन्वर्जेशन बना ली, प्रैक्टिस कर ली, हम बढ़ते हैं सिंपल पास्ट की तरफ। सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और जो क्वेश्चन बनाने होते हैं हमारे को हेल्पिंग वर्ब से ही बनाने होते हैं, तो यहाँ पे डिड लगेगा। तो क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए भी कुछ अलग से होता है? नहीं, पास्ट ऐसा कुछ भी नहीं करता। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ के सब्जेक्ट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डिड ही लगेगा सारे सेंटेंसेस में। तो भाई की बात करूं, दोस्त की बात करूं, किसी भी थर्ड पर्सन की बात करूं, सभी के सेंटेंसेस डिड से बनेंगे। डिड यू टेक डिनर लास्ट नाइट? यस, आई टुक डिनर लास्ट नाइट। आप चाहो तो यहां पे अपने थर्ड पर्सन के सेंटेंसेस ऐड कर सकते हो, तो सेम तरीके से बनेंगे, इसलिए कंटीन्यूअस अपनी सेंटेंसेस सेकंड पर्सन से पूछ सकते हो आप। डिड यू यूज फेसबुक लास्ट नाइट? यस, आई यूज्ड फेसबुक लास्ट नाइट। डिड वाले सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जब आप आंसर कर रहे हो तो सेकंड फॉर्म आएगी। What time did you go to bed last night? I went to bed around 10 o'clock last night. What time did you wake up in the morning today? I woke up at 7 o'clock in the morning today. Did you take breakfast? Yes, I took breakfast. Did you go for morning walk? No, I didn't go for morning walk. Didn't aaya answer mein, to verb ki form fir se first ho gayi. Yani ki did ke saath kabhi bhi verb aayegi first form mein aayegi. Aur waise aa rahi hai simple past mein to second form aayegi. Did you go to school today? No, I didn't go to school today. Did you take lunch today? Yes, I took lunch today. Where did you buy this shirt from? I bought this shirt from Kamla Nagar market. Where did you get haircut from? I got haircut From scissors salon. अगर future के simple sentences की बात करें तो क्या करेंगे? तो हमारे काम आने वाला है will. देखिए shall का use अभी मत करना, shall का use ना भी करो spoken में तो चलेगा, अभी shall के वैसे बहुत बड़े बड़े use होते हैं जो कि बाद में discuss करेंगे. Will से sentence कैसे बनाओगे? What time will you go to bed tonight? आज रात आप कितने बजे सोओगे? I will go to bed at 10:30 p.m. tonight. Will you go anywhere tomorrow? Yes. I will go to office tomorrow. तो ये कुछ sentence थे simple future tense के। तो present में use करा हमने do or does, past में use करा did, और future में use करा will। इस तरीके से हमने अपनी conversations भी बना ली, accurate grammar भी सीखी है, और इससे हमारी fluency भी बढ़ने वाली है जब हम ये बार बार practice करेंगे। Practice करो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। देखिए शर्माना, घबराना और डर, इसको भूल जाओ, इंग्लिश आने से पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उन लोगों को भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।